Hey guys, welcome back to my channel. Hey guys, welcome back to my channel. और आज का वीडियो है मेरी तरह उन सोलो ट्रैवलर्स के लिए जो जाते हैं अच्छे डेस्टिनेशन पे, लेकिन कंफ्यूज होते हैं कि फोटो कैसे खींचे. मतलब आप अकेले हो, आपका फोटो कौन खींचेगा, किसी को पूछने के लिए थोड़ा झिझक तो होता ही होगा. अगर आप मेरी तरह इंट्रोवर्ट हो तो आपको पक्का ये झिझक होती होगी. सो आज का वीडियो है स्पेशली आपके लिए. और अगर आप सोलो ट्रैवल नहीं भी करते हो फिर भी देख लो यार, 3 मिनट में क्या बिगड़ जाएगा, कुछ नया सीख लोगे आप. ठीक है, सो वी स्टार्ट द वीडियो इन 3, 2. And before we start the video, I want you guys to hit that subscribe button. तो जल्दी subscribe button पे click कर लो, video start कर. Okay guys, so step one ये है कि आपको सबसे पहले एक अच्छा सा location ढूंढना होगा. अब मेरे पास कोई अच्छा location है नहीं आसपास में, तो मैं यहीं पर shoot कर रहा because it is a demo thing. So yeah, location अच्छा मिल जाए a big added advantage. बाकी सब तो ठीक है. ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं विद स्टेप नंबर 1. वी हैव 2 ऑप्शंस. एक है विद योर G7X Mark II या कोई भी हैंडी कैम आपके पास हो वो, तो वरना द सेकेंड ऑप्शन इज फोन, एनी फोन, वी एंड्रॉयड, आईफोन, कोई भी फ़ोन चलेगा. तो स्टेप 1 विल स्टार्ट विद G7X Mark II. मैं अपना सेटअप चेंज कर रहा हूँ बिकॉज आई हैव टू शो योर डेमो, सो आई एम शिफ्टिंग टू एन एक्शन कैमरा राइट नाउ. सो या इन 3, 2, 1. ओके गाइस, सो अभी हम SJ कैम्प पे डेमो स्टार्ट करते हैं. अगर आपके पास G7X Mark II है तो सबसे पहले इसको आप ऑन कीजिए. ओके, ऑन करते ही आपका फ़ोन निकालिए, फ़ोन निकालिए. ठीक है, नाउ आपके G7X Mark II में एक ऑप्शन होगा यहाँ पे वाईफाई का, उसको आप दबा दीजिए. यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा फ़ोन का, दिख रहा है आपको. ठीक है, तो फ़ोन को आप सिलेक्ट कर लीजिए एंड आपके आईफोन या आपका कोई भी फ़ोन होगा उसके सेटिंग में जाके, वाईफाई में जाके आपको उसका ये आएगा. जैसे देखो G7X Mark II कैनन आ रहा है. ठीक है, अब मैं वाईफाई पे कनेक्टेड हो गया. अभी मुझे जाना है इसके एप्लीकेशन में, दिस इज कैनन का ऐप. ओके, अभी इसको कनेक्ट हो गया, ये देखिए ये आके कनेक्ट. नाउ इसमें एक ऑप्शन है रिमोट लाइव शूटिंग, उसको क्लिक करके ओके दबा के नाउ ये देखो अभी जहाँ मेरा कैमरा एंगल कर रहा है वहाँ आपको मोबाइल पे दिख रहा है. आपको इसमें दिखेगा नहीं, इसके व्यू फाइंडर में या इसके डिस्प्ले पे दिखेगा नहीं, आपको यहाँ दिखेगा. तो बस अभी आपको अपना कैमरा सेट करना है, उसके बाद फ़ोटो खींच करनी है. आई शो यू, डोंट यू वरी मैन, आई शो यू. ओके गाइस, सो एज यू कैन सी मैंने यहाँ पे मेरा कैमरा सेट कर दिया है और उसका व्यू फाइंडर अब मेरे मोबाइल में हो गया है. सो आई कैन गो फार अवे, सी आई एम गोइंग फार अवे, कैमरा उधर है, आई एम हियर. ठीक है, ये देखो ये आपको दिख रहा है. ठीक है, नाउ सपोज इफ आई वॉन्ट टू शूट समथिंग नाउ सपोज आई एम स्टैंडिंग हियर दिस वे, सो आई कैन व्यू फ्रॉम हियर. ठीक है, अब मुझे अगर ऐसा शॉट शूट करना है या फिर देखो जैसे मूव कर रहा हूँ वैसे वहाँ पर दिख रहा है. देखो, सो माई मोबाइल इज़ माई व्यू फाइंडर, दिस इज़ द फर्स्ट ऑप्शन. आ गए हम अपने आईफोन पे फिर से. अब सेकेंड ऑप्शन आपको बताता हूँ मैं कैसे, बहुत ही सिंपल तरीका है सेकेंड वाला. उसमें ना कुछ वाईफाई का टेंशन है ना कुछ फ़ोन का टेंशन है. आपको करना सिर्फ इतना है कि आपका जो कैमरा है, ठीक है, उसका रिकॉर्ड बटन दबा दीजिए. ये देखो रिकॉर्ड हो रहा है, नहीं हो रहा है तेरी, हाँ रिकॉर्ड बटन दबा दीजिए, कैमरे को सेटअप कर दीजिए और फिर दूर होकर खड़े होकर कहीं भी कोई भी पोज दीजिए, ऐसे वैसे जैसा भी आपको चाहिए, जो मर्जी आपकी मर्जी है, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन. जो भी पोज देना है पोज दीजिए, बट पोज को 2-3 सेकेंड होल्ड कीजिए एंड देन आपका सब हो जाने के बाद, अलग अलग पोज देने के बाद इसको आप स्टॉप कर दीजिए. ठीक है, अब इसके डेटा को आप आपके फ़ोन में लीजिए और फ़ोन में जाके उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. इसमें आपका रेजोल्यूशन थोड़ा सफ़र करेगा, बट दिस इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट ऑप्शन एंड ये एक बहुत ही कन्वीनियंट ऑप्शन है जो कि मैं भी यूज़ करता हूँ. एक्चुअली मैं जितने भी फोटोज़ हैं इंस्टाग्राम पे सोलो ट्रैवलिंग है वो सब मैंने इसी ऑप्शन से किया है. अब आते हैं फ़ोन पे. अभी आपके पास कोई भी फ़ोन हो, एंड्रॉयड हो या आईफोन हो, बट फर्स्ट वी नीड टू स्विच द कैमरा. ओके, तो अब आते हैं फ़ोन की बारी. अब फ़ोन में जाओगे आप, आपके पास फ़ोटो का ऑप्शन रहेगा, ऐसा बहुत क्लियर आ रहा है यार. ठीक है, फ़ोटो का ऑप्शन रहेगा आपके पास, तो उस फोटो के ऑप्शन के ऊपर इफ़ यू यूजिंग एन आईफोन तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ये टाइमर का.
उसको आप या तो 3 सेकेंड पे कर सकते हो या 10 सेकेंड पे कर सकते हो। आई प्रीफर 10 सेकेंड, बट अभी डेमो के लिए आई एम जस्ट शोइंग यू फॉर 3 सेकेंड। तो 3 सेकेंड पे क्लिक किया आपने, उसके बाद आप कैमरा को ऐसे ले लीजिए, दूर कहीं भी रख सकते हैं। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात बोलना भूल गया हूँ कि मेरा जो कैमरे का क्लिप है, जो ट्राइपॉड का क्लिप है, इसका क्लिप होल्डर, वो मैं भूल चुका हूँ बॉम्बे में। तो आई डोंट हैव अ क्लिप होल्डर, आपके पास ज़रूर होगा, सेल्फी स्टिक या कुछ भी होगा। तो मोबाइल को दूर रखिए ट्राइपॉड पे एंड देन जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड ये 3, 2, 1 हो गया, फोटो क्लिक हो गया। बहुत ही आसान है। आई प्रेफर टू कीप इट ऑन 10 सेकेंड्स बिकॉज उतना टाइम आपको मिलता है एडजस्ट करने के लिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या समझा रहा हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आया तो जरूर मुझसे पूछिए, मैं हूँ यहाँ पे। सो यार, दैट्स इट फॉर द व्लॉग। मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कैच मी ऑन माय इंस्टा। माय इंस्टा आईडी इज amitesh2.0। वेल, एक इसी बात पे एक छोटा सा मोटा सा हो जाए कैरियोके। पहली गाल चाचा जी ने कंडनी सिखाई, गाना कंडदा सी चिल्ला फिर आम हो गया।